जय सियाराम। रसोई घर घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल भोजन पकाने का स्थान है बल्कि घर की सुख और समृद्धि का भी प्रतीक है। अगर हम रसोई घर में कुछ गलतियां करते हैं तो उससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और जिसके कारण हमारे धन की हानि होती है। तो अगर हम किचन की व्यवस्था और उसके तथ्यों के बारे में अच्छे से जान लें तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन सब कुछ आता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बाधित होता है। साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही आती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग आजकल अपने किचन में करने लगे हैं वो यह करने लगे हैं कि उसे साफ सुथरा नहीं रखते। आपने भोजन पका लिया और फिर किचन को गंदा रहने दिया, 2-3 घंटे तक आपका किचन ऐसे ही गंदा है। तो जब भी आप भोजन पका लें किचन को तुरंत साफ कर लें। हमेशा किचन साफ सुथरा ही रहना चाहिए, कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए किचन में। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश तो होता ही है, साथ ही साथ धन की हानि होती है, सुख समृद्धि घर में नहीं आती। तो हमेशा आप किचन को साफ सुथरा रखें, कभी भी गंदगी ना आने दें किचन में। हमेशा थोड़ी मोड़ी डस्टिंग करती रहा करें किचन में। साथ ही साथ आप टूटी फूटी चीज़ें ना रखें किचन में। आपका शीशे के बर्तन टूट गए या कुछ भी अन्य वस्तुएं जो आपकी किचन में टूट चुकी हैं उन्हें आप किचन में स्टोर करके ना रखें, उन्हें तुरंत हटा दें। क्योंकि ऐसा करने से जो टूटी फूटी चीज़ें होती हैं वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बन जाती हैं जिससे आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आती। तो जो आपकी टूटी फूटी चीज़ें हैं घर में वो हटा दें। और कुछ लोगों के मैंने घर में देखा है कि देवी देवताओं की तस्वीर वह किचन में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। अगर आपने अपने किचन में, रसोई घर में किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर आपने लगा रखी है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि ऐसा करने से देवी देवताओं का अपमान होता है। तो किचन में कोई भी, चाहे वो देवी देवताओं की मूर्ति हो या कोई भी तस्वीर हो, उसे नहीं रखना चाहिए किचन में, रसोई घर में। उसे तुरंत रसोई घर से हटा दें। और सिंक और चूल्हा आसपास नहीं होना चाहिए किचन में। अगर है तो उसे तुरंत ठीक करें, क्योंकि सिंक और चूल्हे के आमने सामने होना नहीं चाहिए, इससे आपकी धन की हानि होती है। तो सिंक और चूल्हे को अलग अलग रखें, आमने सामने ना रखें। उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं किचन हमारे घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर हम खुश होकर भोजन पकाएं, सकारात्मक विचार रखकर भोजन पकाएं, क्योंकि हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं वह उस भोजन को ग्रहण करते हैं। जब आप भोजन को खुश मन से बनाएंगे, शुद्ध विचार से बनाएंगे, सकारात्मक विचार से बनाएंगे, तब वो जो भोजन है आपके परिवार में जो सदस्य हैं वह उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो आप जो भी भोजन आप बना रहे हैं एकदम खुश मन से बनाएं, क्योंकि ऐसा करने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और धन की हानि भी नहीं होती। अगर आप सकारात्मक विचार से भोजन बनाएंगे तो स्वास्थ्य की दिक्कत परिवार में कभी भी नहीं आएगी। आप जो लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह शुद्ध है तो उससे हमारे स्वास्थ्य की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यह कुछ छोटे मोटे टिप्स थे। अगर आप इनका पालन करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और शौर्य आएगा। अगर आप भी अभी तक कुछ यही गलतियां कर रहे थे तो इसको तुरंत सुधार लें, क्योंकि ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही रोज़ाना के छोटे मोटे टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें संस्कारी सुहानी के यूट्यूब चैनल को। जय सियाराम।